पवन सिंह जीतते तो नहीं जा रहे हैं, यह यंग ब्लड है, चिन्ह चिल्लाएगा ही, यंगे ब्लड ने चिल्लाएगा, बूढ़ा आदमी थोड़ा चिल्लाता है। पवन सिंह पहले से कौन सोशल वर्क किए हुए हैं, एक भी वर्क देखा हुए, चुनाव आया आज लोग तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को देंगे, हाँ ना उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं देंगे, हम लोग मोदी जी के नाम और यहीं से शुरू होगा। नहीं पावर का सब पावर, कैसी का पावर, किस चीज का पावर, पावर स्टार का और पावर काची का पावर होता है, वो पैसा का पावर होता है, वो बल का पावर होता है, वो बुद्धि का पावर, काची में पावर। अभी हम काराकाट लोकसभा के डेहरी विधानसभा में और तमाम लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से जानेंगे कि आखिर काराकाट में इस बार जो है अगला सांसद कौन बनेंगे काराकाट से। क्या नाम है भैया? रंजीत कुमार गुप्ता नाम है। देखिए पीछे से पवन सिंह चिल्ला रहे हैं। पवन सिंह चिल्लाने दीजिए, यंग ब्लड तो है ये पवन सिंह के साथ, लेकिन लास्ट तक वोट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा वो तो कैंडिडेट बताएगा, वहाँ पर बताएगा कि कंस्टिट्यूएंसी में जब जाइएगा वोट देने के लिए तो कितना परसेंट यंग लोग है, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। चिल्लाने से तो सब कुछ चिल्लाएगा, अपना मत है किसी को दे सकते हैं, इसमें दबाव तो है नहीं, लेकिन अब जो आदमी पवन सिंह का समर्थन है तो कोई उपेंद्र कुशवाहा जी का है तो कोई राजा राम सिंह का, पवन सिंह जी का जो समर्थक है तो जहाँ देखिए वहाँ लोग चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि पवन सिंह, पवन सिंह जीतते तो नहीं जा रहे हैं, यह यंग ब्लड है, चिन्ह चिल्लाएगा ही, यंगे ब्लड ने चिल्लाएगा, बूढ़ा आदमी थोड़ा चिल्लाता है, चिन्हाने जोश किसके पास रहेगा, यंगे ब्लड के पास ना, लेकिन वोट में परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये वोट काट सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, जितने नहीं जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि लफुआ लोग जो है 18 से 25, हम नहीं कहेंगे लफुआ, आप कहिए, हम लोग नहीं कहेंगे, हमने कहा कहेंगे, नहीं नहीं आप कह सकते हैं लफुआ, आप शब्द निकाले, हम नहीं निकाले, यंग ब्लड कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं नहीं सोशल मीडिया में आपको हम नहीं देखे हैं, हम तो कहेंगे छोट भाई रहेगा, यंग ब्लड रहेगा, उन लोग फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ, गाना से जुड़ा हुआ, जनाधार से जुड़ा हुआ। पवन सिंह पहले से कौन सोशल वर्क किए हुए हैं, एक भी वर्क देखा हुए, चुनाव आया आज लोक रहे हैं, तो सोशल वर्क तो जब आप किसी चीज को बहन को बेटी को लड़का खोजने जाते हैं तो कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है, नचनिया बजनिया के तुर जाए, दामाद बनाइएगा, गायक को दामाद बनाइए, हम सांसद बना देंगे, उनका क्या मैंने उनका क्या शिक्षा दीक्षा है, क्या उनके पास सामाजिक वर्क है, विदेश में गाना बजता है, विदेश गाना से थोड़े मतलब है, सामाजिक वर्क में आ रहे हैं ना, गाना वर्क में आ रहे हैं, सामाजिक वर्क में आ रहे हैं, सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो पहले से क्या सेवा है बताइए, कोई सेवा करने के लिए गाना लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, गाना सेवा माता इंटरटेनमेंट, अगर इंटरटेनमेंट सेवा माता है तो आप बताइए सेवा कर लग जाएगा। ये आप यंग ब्लड तो हम लोग क्या है, यंग ब्लड नहीं है तो हम लोग अपना देखेंगे कि हम लोग परिवार के जो सुरक्षित चलता है कि नहीं चलता है, काम शहर में होगा कि नहीं होगा, आगे कोई जीतेगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब सोचेंगे हम। यंग ब्लड तो कहेगा कि एकदम जिंदाबाद, वो सारे लोग कह रहे हैं, यंग जनरेशन के लोग तो कह रहे हैं कि पावर स्टार, पावर यहीं से शुरू होगा। नहीं पावर का सब पावर, कैसी का पावर, किस चीज का पावर, पावर स्टार का और पावर काची का पावर होता है, वो पैसा का पावर होता है, वो बल का पावर होता है, वो बुद्धि का पावर, काची में पावर, पावर गाना में, सिंगर में पावर स्टार, सिंगिंग में पावर होता है, शब्द होता है कभी सिंगिंग में, पावर में पावर स्टार है, पावर का शब्द क्या है, हिंदी वर्ड क्या होता है आप बताइए सर, पावर ताकत होता है, तो ताकत शरीर से होगा कि गाने में ताकत आ जाएगा, पावर स्टार, अरे पावर का हिंदी क्या होता है, गाना में पावर आ जाएगा, शरीर में ताकत आएगा, खाने खाइएगा पीजिएगा पावर आ जाएगा, बोलते लोग गाना सुनने से पावर आता है, आप में आता होगा भैया, हम लोग में तो नहीं आता है। अगर आप में आता है गाना सुनने में तो पावर आप लोग समर्थन कीजिए, हम लोग भाई तो हम लोग विचार से पावर आएगा, आपके बुद्धि से पावर आएगा, आप अच्छे काम कीजिएगा तो पावर आएगा, शिक्षा आप सब कोई भी गरीब आदमी को उसको अच्छा दिशा दे दीजिए, बीमार है उसको इलाज करवा दीजिए तब हम समझेंगे कि पावर है, ये गाना से पावर नहीं जानते हम। तो क्या लगता है काराकाट से आपके नज़र में कौन नेता अच्छा? देखिए नेता तो कौन है क्या नहीं ये तो जनता तय करेगा, यह हम लोग तो अपना मत बता सकते हैं, जनता किसी किसी को उपेंद्र कुशवाहा पसंद है, किसी को मोदी जी पसंद है, किसी को पवन सिंह पसंद है, कोई राजा राम सिंह है, कोई भी अपना कैंडिडेट जो खड़ा है जीतने के लिए, हारने के लिए कोई खड़ा नहीं है,
सब जितना भी कैंडिडेट है जीतने के लिए खड़ा है। अगर आप भी, अरे आपके नज़र में कौन है भैया? मेरे नज़र में भैया हम लोग तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को देंगे। हाँ, ना उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं देंगे, हम लोग मोदी जी के नाम पर देंगे, क्योंकि हम लोग जमीन से काम करते हैं, गरीब के सेवा जाते हैं, दुख सुख देखते हैं। कल कभी भी 5000 रुपया खर्च होता था इलाज में, तो हम लोग चंदा करते थे कि भैया 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, लेकिन चंदा करके इलाज करते। आज 5 लाख रुपया मिल रहा है, जो भी है देखो अच्छी पहल है। हम ये नहीं कर रहे कि नहीं, आज गरीब लोग का इलाज हो रहा है, इस ये काम के लिए हम सारणी है। मोदी जी तो 2 करोड़ का भी वादा किए थे, 15 लाख का भी वादा किए थे। का चीज वादा किया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है स्टेटमेंट बताइए? पर एक जगह है, आपके शब्द में है तो नहीं बता सकते। आप तो गाना का भी पावर बता रहे हैं, तो आपका तो बात का अभी हम ऑथेंटिक कोई शब्द है बताइए। ऑथेंटिक सारे जगह यही मुद्दा पे 2014 में जीते, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख जो है। देखिए बहुत डाटा फाटा लेना है तो सरकार से RTI से मांगिए, उसका संस्था बना हुआ है। बेरोजगारी दर कितना है, महंगाई दर क्या है, पहले क्या था, वो हम लोग के पास नहीं डाटा है कि हम लोग जवाब देंगे। हम लोगों को जो जानकारी है वो बता सकते हैं, हम लोग कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं है। आपके पास इस चीज़ का लेना है तो जनता नहीं, हम लोग कितना पढ़े लिखे हुए हैं, कितना आम आदमी जानता है ये सब। आप जाइए डाटा उठाइए और संस्था बना हुआ उसके रिपोर्ट देगा कि हाँ बेरोजगारी दर अभी क्या है। इसके लोग जानते हैं भैया कि 15 लाख का वादा किए थे मोदी जी की सब लोग। अभी बेरोजगारी दर क्या है डाटा उठाइए, उसका लिए संस्था बना हुआ है, रिपोर्ट देगा वो कि अभी कितना बेरोजगारी दर है, पहले क्या था, अभी महंगाई दर क्या है, पहले क्या था, ये सब वहाँ से मांगे, हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो मोदी जी के यहाँ पे सिपाही जो है उपेंद्र कुशवाहा जी है। उपेंद्र जी हैं, वो NDA में है, अब अच्छे लोग हो गए तो उनको वोट देगा जनता, खराब नहीं समझ में आ रहा तो नहीं देगा जनता। इसके जनता में तो कोई छिपा नहीं ना है, कौन किसको दे रहा है, बाप दे रहा है दूसरा में, बेटा दे रहा है दूसरा, माँ दे रही है दूसरा में। मोदी जी बिहार में आ रहा है तो सीधा यही बात ना कह रहे हैं कि भैया मेरे आप बटन दबाइएगा, कमल पे दबाइए, कढ़ाई पे दबाइए, चाहे सिलेंडर पे दबाइए, वोट हम ही को जाएगा। तो आप लोग तो बटन यही ना दबाइए, आप दबा रहे हैं ना, वही में जाएगा जो आपका थिंकिंग है। सारा चीज में हम ही को घुमा रहे हैं, मोदी जी का स्टेटमेंट है। कहाँ स्टेटमेंट है बताइए भैया? सारा जगह मोदी जी का जाइए, प्रोफाइल खोलिए, प्रोफाइल हम लोग भी आप दिखाइए हमको। कल ही हाजीपुर में आए हैं तो बोले हैं कि चिराग पासवान को वोट दीजिए तो हमको आ जाएगा। अरे वो उसके उपेंद्र कुशवाहा को आप दीजिएगा ना? हम देंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो मोदी जी भी जब NDA में संजोती है ना, वो यही बात तो हम पूछ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दबाइए कोई बटन जाएगा दूसरी में, ऐसा थोड़े होता है। अरे भैया मेरे 5 आदमी के साथ गठबंधन है तो 5वां आदमी देगा ना? बस हम लोग का इंटरव्यू आपका लीजिए, आप भैया लोग से लीजिए, हम लोग का हो गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चले क्रांति, कौन है आपका चैनल? क्रांति खबर। अभी बोलिएगा भैया, चलिए। तो इनका राय है, तमाम जो भी कहना था इनका कहना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।